आप झूठे कोर्ट कचहरी के मुकदमे से परेशान तो नहीं, या फिर आप में आत्मविश्वास की कमी, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन और उत्साहहीनता है, या फिर सूर्य के निर्बल होने से आपकी आंखों या पैरों में तकलीफ, दर्द, बालों का झड़ना या आप घुटने व हड्डियों से संबंधित रोग से परेशान हैं? क्या आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, परंतु आपको उचित मेहनत उपरांत भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो देर किस बात की। आगामी मकर संक्रांति के महासौभाग्यशाली अवसर पर आपके पास है मौका अपनी इन सभी परेशानियों से निराकरण पाकर सुख समृद्धि व शांति का स्थायित्व प्राप्त करने का, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव सुरेश हिमानी जी ने अपनी दिव्य साधनाओं व अलौकिक शक्तियों द्वारा हमारे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों द्वारा निर्माण किया है मकर संक्रांति पूजन पैकेट का, जिसमें आप पाएंगे पैकेट। प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625982902662। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर जो ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, 15 साल के एक लड़के की जन्म कुंडली है। मां को काफी गंभीर बीमारी है, पिता का एक पांव जो है वो अपंग है, एक पांव में एक्सीडेंट हो गया था फैक्ट्री में काम करते वक्त, और इसकी खुद की छोटी दो बहनें भी हैं। 5 लोगों का परिवार है, दिल्ली के पास में रहते हैं, बड़े गरीब परिवार के लोग हैं। इतना पैसा भी नहीं है कि ये लोग अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, और बच्चा पढ़ाई में वैसे भी कमजोर है, लेकिन इसके अंदर एक हुनर है। वो हुनर यह है कि बड़ा लचीली इसकी जो है पर्सनैलिटी है, जैसे जो लोग जिम्नास्टिक बहुत अच्छा कर लेते हैं वैसी पर्सनैलिटी इस बच्चे की पहली खूबी। दूसरी खूबी है कि ये तरह तरह की आवाजें निकाल सकता है लड़का। किसी भी एक्टर की आप आवाज बोले तो आप अगर आंख बंद करके इसकी आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वही एक्टर आपके सामने बोल रहा है। तीसरी इसकी खूबी यह है कि ये एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता है, और इसका निशाना बड़ा तेज है। ऐसी परिस्थिति में माता पिता ये चाहते हैं कि हमें कोई बच्चे को डोनेशन दे दे तो हम इसको जिम्नास्टिक या कोई खेल प्रतियोगिता, शूटिंग प्रतियोगिता, ऐसे किसी भी जगह पर अपने बच्चे को, या फिल्म एक्टिंग के अंदर हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बेटे का पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, और एक जगह ये 3-4 मिनट से ज्यादा बैठ भी नहीं सकता है, तो अब क्या किया जाए। लेकिन हम अपनी दो वक्त की रोटी का भी गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और हम अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे कर पाएंगे। मेरी दोनों बेटियां और हैं, बेटियों को मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना भी होगा, बेटियों के लिए कुछ पैसा भी जोड़ना पड़ेगा शादी के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के आप देखते ही हैं कि किस प्रकार का सिस्टम है। अब ये सिस्टम कब बदलेगा, कैसा होगा, वो सब बातें बात की है, लेकिन आज एक माँ बाप की यह तकलीफ जरूर है कि मेरे 3 बच्चे हैं, इस बच्चे में खूबी है, तो क्या इसका भविष्य बेहतर बन सकता है या नहीं बन पाएगा। तो जन्म कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले देखिए मेष लग्न की कुंडली। मेष और वृश्चिक, ये दो ऐसी लग्न की जन्म कुंडली होती है जिसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल लग्नेश बनकर 11th हाउस में, वो भी केतु और बृहस्पति के साथ, लेकिन लग्नेश का 11th हाउस में जाना बहुत अच्छा माना जाता है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब हम अपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म करते हैं तो इस जन्म में हमें अच्छा परिवार मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है, कंफर्टेबल जिंदगी मिलती है, बचपन से कोई ज्यादा तकलीफें नहीं रहती है, लेकिन बचपन से ही तकलीफ यानी निर्धन जीवन, इतना पैसा भी घर में नहीं कि पढ़ाई लिखाई हो सके, लेकिन 11th हाउस में जब भी पापी ग्रह बैठे हों तो उस व्यक्ति का पिछला जन्म बहुत अच्छा माना जाता है। तो 11th हाउस में एक तो मंगल, दूसरा केतु, तो मंगल और केतु दोनों ही पापी ग्रह विराजमान है जो 11th हाउस में है। ऐसी अवस्था में इस बच्चे के पिछले जन्म में कर्म तो इससे बहुत अच्छे किए, जिस वजह से इसको इस जन्म में जिंदगी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष, मंगल और केतु का अंगारक दोष, इन दोनों दोषों की दृष्टि पड़ती है शिक्षा और संतान के घर में, और शिक्षा के घर में राहु विराजमान है, तो पढ़ाई लिखाई तो इस बच्चे की कोई ज्यादा होना लिखा नहीं गया है, इसलिए इस चीज को तो आप मान लीजिए कि ये बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वैसे भी 3-4 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकता तो पढ़ाई कैसे करेगा।
फिर देखिए चंद्रमा पढ़ाई के कारक ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति के साथ साथ, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, वो एक तो मृत्यु स्थान में, दूसरा नीच राशि के, तीसरा 15 नवंबर 2011 से लेकर अगले 7.5 साल तक 2019 समझ लीजिए आप, वहां तक शनि की 7.5 ही और रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड ही ठिकाने नहीं है, बृहस्पति पढ़ाई के शिक्षा के कारकग्रह होकर चांडाल दोष में है, तो ऐसे बच्चे के एजुकेशन का एक और छोटा सा योग था वो भी खत्म हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा से बृहस्पति जो है वो चौथे घर में विराजमान है, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सोना। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो है वो हाथी घोड़े पर सवारी किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में हाथी घोड़े पर नहीं बैठता व्यक्ति, शौक के तौर पर जरूर जा सकता है, लेकिन यातायात का साधन आज की तारीख में हाथी और घोड़े नहीं है, उसकी जगह रईसी विलासितापूर्ण गाड़ी आ चुकी है। तो ये जो योग बनता है, इस योग के तहत इस बच्चे को बेहतर जिंदगी मिलना लगभग तय है। फिर परिजात योग बना हुआ जो इंसान को फेमस बनाता है, और चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा जब भी नीच राशि होगा व्यक्ति की सीटिंग कैपेसिटी बड़ी कमजोर रहती है, तो वैसे भी ये बहुत कम बैठ पाता है, और इसकी इन दोनों योगों की वजह से और फिर भाग्य स्थान में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग होने की वजह से 100% इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना या इस बच्चे को कोई गोद ले ले, गोद किस तरीके का, परमानेंट गोद की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी जीवन में जो आगे का खर्चा है वो कोई व्यक्ति वहन कर ले, इसकी 100% संभावना है। क्योंकि इसी 7.5 में और अप्रैल 2011 से शुरू हुई केतु की दशा, ये देखिए केतु 11th हाउस में, जैसा मैंने पहले कहा था पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए इस वजह से ऐसा योग बन रहा है, लेकिन 7.5 का जैसे ही पहला पार्ट खत्म होगा वो नवंबर 2014 में खत्म हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से इसको कोई ना कोई मसीहा मिलेगा और इस बच्चे को खेल प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाएगा और उसका सारा खर्चा वो व्यक्ति वहन कर सकता है। ऐसी अवस्था में जैसे ये कर्म शुरू होगा इस बच्चे की तरक्की तय, और अगले 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा, हो सकता है आपको भी अपने बच्चे से मिलने के लिए ऑटोग्राफ फोटोग्राफ और अपॉइंटमेंट लेना पड़े, ऐसी परिस्थिति भी यहां पर बनती है। लेकिन कर्म स्थान में शनि के घर में सूर्य विराजमान है और शनि स्वयं 12th हाउस में विराजमान है, इसलिए सूर्य जब भी शनि के हो दशम स्थान में तो व्यक्ति की तरक्की में काफी ऑब्स्टिकल, काफी हर्डल्स, काफी तरह की तकलीफें परेशानी भी आती है, इसलिए आप इस चीज को लेकर भी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमारा जीवन की जो ये आगे की जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि केतु और 7.5 ये दोनों ही साथ में चल रही है, इधर प्लैनेटरी पोजिशन में नीच के चंद्रमा। तो बेहतर यह रहेगा कि आप एक तो अपने बच्चे के लिए स्वयं बैठकर, किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः के लिए चांडाल दोष के लिए, साथ में हर मंगलवार को सफेद आंख के पौधा जो होता है उसके सफेद फूल निकलते हैं, उस फूलों के लाल रंग के धागे में माला बनवा के हर मंगलवार को बेटे से जो है वो हनुमान मंदिर में चढ़ाइए, साथ में शनिवार को बच्चे से तेल का अभिषेक कराइए, शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि प्रतिमा पर, तो ये शनि की 7.5 का जो प्रभाव है ये खत्म होगा, और शनि वैसे भी 12वें घर में विराजमान है, तो विदेश में जाकर खेलना, विदेश में जाकर परफॉर्मेंस करना, विदेश में जाकर धन अर्जित करना, विदेश यात्राएं करना, विदेश में सेटल होना, ये सारे योग शनि करवाते हैं। तो ये स्थिति बड़ी जबरदस्त बन रही है, मुझे ऐसा 100% यकीन है कि आप लोगों की गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत ये बच्चा बना देगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन केतु की दशा और 7.5 में ही इसकी तरक्की होना लिखा है, और ये दोनों दशाएं खत्म होने पर, क्योंकि केतु की दशा 7 साल चलती है जो 2011 से शुरू हुई है, 2011 में यदि हम 7 साल जोड़ते हैं तो 2018 आ जाता है, 2019 में 7.5 खत्म हो जाएगी, और उसके बाद शुक्र की दशा लगेगी जो 20 वर्ष चलती है। शुक्र तो वैसे भी देख लीजिए 12वें घर में, माफ करेगा 9th हाउस में विराजमान है, जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे धन भाव और व्यापार भाव, 7th हाउस दोनों के लॉर्ड होकर 9th हाउस में है, तो वो 20 साल इतने बढ़िया रहेंगे कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जो सोचा था उससे बेहतर जिंदगी जी है, जैसा सोचा था उससे बेहतर बीवी मिली, बेहतर बच्चे मिले, बेहतर परवरिश मिली, बहुत सारी चीजें अच्छी मिली है। लेकिन उन लोगों पर भी मुझे बड़ी दया आती है जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, जो सोचा उससे बढ़िया है, लेकिन एक आदत हो चुकी है कि जो तकलीफें हैं हमेशा उनको याद रखना, जो अच्छी जिंदगी में चीजें हुई वो तो भूल ही जाते हैं,
जो है उसका आनंद कभी नहीं लेते हैं, जो नहीं है उसको पाने में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, तकलीफें जबरदस्ती परेशानियां सहन करना, जबरदस्ती उन चीजों को याद करना, जो है उसमें खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, हर पल जिंदगी आपकी खूबसूरत होती चली जाएगी। लेकिन इसी योग के कारण आपका बच्चा निश्चित रूप से तरक्की करेगा, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर ही अव्वल होगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के चांसेस इसके अभी कमजोर बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बेचता, वो शुक्र बेचता है, लेकिन शुक्र की अभी दशा नहीं है। केतु और चंद्रमा, ये दोनों जो परिस्थितियां चल रही है, साढ़े साथ ही ये दोनों धावक बनाती है, तो बहुत अच्छा जिम्नास्टिक में जा सकता है, लचीला बदन भी चंद्रमा ही देता है। साथ में इस व्यक्ति के शूटिंग चैंपियन बनना, वो बहुत जबरदस्त योग बनते हैं, क्योंकि निशाना लगाने के लिए सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये योग बनता है। तो मुझे लगता है कि शूटिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ये बच्चा तरक्की कर सकता है, और उसी फील्ड में हमें डालना है, फिल्म इंडस्ट्री को हमें भूल जाना, और पढ़ाई के चांसेस बहुत ही कमजोर है। फिर भी हम कुछ उपाय करके, हमेशा एग्जाम देकर कुछ हद तक तो गाड़ी इसकी पटरी पर आ जाए, ग्रेजुएट तो जो कहलाने लगे बच्चा, वो चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा होनहार बच्चा और बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चा आपके घर में भगवान ने भेजा है, तो आप 1% भी ये नहीं सोचें कि हमारे बच्चे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, और आपने एक शब्द ये भी लिखा है कि कल को मेरे बच्चे ने पढ़ाई भी नहीं की और स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं कर पाया, तो हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि बड़े आए थे अपने बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स में भेजने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि समाज परिवार में ऐसे लोग हैं। तो लोगों का काम है कहना, उनको अपने कर्म करने दीजिए, आपको अच्छी सोच के साथ अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाइए। मुझे 100% यकीन है कि ये बच्चा बड़ा काम और देश का नाम जरूर रोशन करेगा। क्या आप झूठे कोर्ट कचहरी के मुकदमे से परेशान तो नहीं, या फिर आप में आत्मविश्वास की कमी, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन और उत्साहहीनता है, या फिर सूर्य के निर्बल होने से आपकी आंखों या पैरों में तकलीफ, दर्द, बालों का झड़ना, या आप घुटने व हड्डियों से संबंधित रोग से परेशान हैं? क्या आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, परंतु आपको उचित मेहनत उपरांत भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो देर किस बात की? आगामी मकर संक्रांति के महासौभाग्यशाली अवसर पर आपके पास है मौका अपनी इन सभी परेशानियों से निराकरण पाकर सुख समृद्धि व शांति का स्थायित्व प्राप्त करने का, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव सुरेश हिमानी जी ने अपनी दिव्य साधनाओं व अलौकिक शक्तियों द्वारा हमारे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों द्वारा निर्माण किया है मकर संक्रांति पूजन पैकेट का, जिसमें आप पाएंगे पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान, फोन नंबर 519-00-243-2625-98290-26625। क्यों शिकवे शिकायत करूं जिंदगी, मेरे हिस्से में दी तूने खुशियां नहीं, तूने देना भी चाहा मैं ले ना सकी, भूल मेरी थी दोष किस्मत को दी। जिंदगी पर कविताएं लिखना आसान है, किसी के दुख के क्षण में उसे सांत्वना देना और भी ज्यादा आसान, पर जिसके जीवन से सुख के क्षण पलक झपकते ही गायब हो जाते हों, वो तो यही समझेगा ना कि किस्मत के हाथों कामयाबी पाने वाले लोग उसके दुख का, उसकी असफलता का मजाक बना रहे हैं। ऐसे में जिंदगी को और भी ज्यादा करीब से समझने की जरूरत महसूस होती है। आखिर क्यों एक पल में फूल खिले और दूसरे पल में कांटे, शायद यही जिंदगी। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की, और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान
जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्मकुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुने, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। जन्म कुंडली विश्लेषण, ये जन्म पत्री जो आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, ये 54 वर्ष के एक व्यक्ति की जन्म कुंडली है जो बड़े सक्षम परिवार में पैदा हुए और दिल्ली में इनका बड़ा अच्छा कारोबार पिताजी का है। आज से तकरीबन 20 साल पहले इन्होंने अपने पत्नी के कहने पर अपने पिता से झगड़ा मोल लिया और पिता, चूंकि आज भी पिता बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आज भी पिता इनसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इतने इनसे ज्यादा यंग दिखते हैं जबकि इनके पिताजी हैं। इनकी पत्नी ने इनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो व्यापार कर रहे हो अपने पिताजी के साथ, तो सारा काम तो तुम करते हो लेकिन पिताजी अपनी दोनों बहनें और बाकी तुम्हारे दो भाई के साथ समान व्यवहार करते हैं जबकि तुम्हारे भाई तो बिगड़ेल है। ऐसी अवस्था में इनके कान भरे गए और इन्होंने अपने पिता को बोला कि पिताजी आप तो कब बुजुर्ग होंगे और कब आप बंटवारा करेंगे, तो बेहतर यह है कि आज की तारीख में आपके पास जितनी भी संपत्ति है जो भी है उसका मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं घर से अलग होना चाहता हूं। पिता ने कहा कि बेटा हमारे सात लोगों का परिवार है, पांच मेरे बच्चे हैं, मैं इस वक्त बंटवारा नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूं कि मेरी कोई मृत्यु नजदीक है, मैं नहीं कर सकता, घर में तनाव हुआ, 6-8 महीने परेशानी हुई, आखिरकार मन मुटाव इतना ज्यादा बन गया कि पिता ने सोचा कि एक बच्चा जो है मैं यही सोचूंगा कि ये पैदा ही नहीं हुआ है। और उस वक्त बेटे से ये लिखा पढ़ी भी करवाई गई कि आज की तारीख में मेरी जितनी संपत्ति है उसका मैं तुझे बंटवारा कर रहा हूं, आज के बाद मैं जितने भी धन कमाऊंगा उस पर तेरा अधिकार नहीं रहेगा। बेटे को मंजूर हुआ और बेटे ने वहां से पैसा लेकर अलग हुए और दिल्ली में ही छोटा कारोबार शुरू किया, थोड़ी तरक्की की, लेकिन ऐसा कुछ तकलीफ आई कि सारा व्यापार बर्बाद हो गया, उल्टा कर्जा इनके ऊपर और हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगे, परेशान होने लगे। आखिरकार बेटे ने सोचा कि मैं किस मुंह से अपने पिताजी से पैसा मांगूं, अपनी पत्नी को भेजा, पत्नी जाकर गिड़गिड़ाने लगी, माफी भी मांगी और तरह तरह की बातें करके आखिरकार पिता ने कहा कि मैं तो पिता हूं, बच्चा नहीं झुके लेकिन पिता तो मां बाप तो झुकी जाते बच्चों के सामने। उन्होंने वही कर्म किए और अपने बच्चे को वापस अपने व्यापार में शामिल किया। 6 साल तक यह सिलसिला चलने लगा और इनकी किस्मत इतनी अच्छी कि जैसे ही पिता के व्यापार में शुरू होते हैं मेहनत इंटेलिजेंस से व्यापार बढ़ने लग जाता है। फिर व्यापार बढ़ने लगा और फिर वही कहानी वापस आई कि पत्नी ने कहा कि अब व्यापार बहुत अच्छा चल पड़ा है, तुम थोड़ा सा पैसा और निकाल लो, कर्ज खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसे से हम व्यापार शुरू कर लेंगे, घर में मैं नहीं रह सकती हूं। इन्होंने अपने पिता से वापस बात करने की कोशिश की, बात भी की। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है कि एक बार एक बैलगाड़ी चल रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था, कुत्ते को ये घमंड था कि ये बैलगाड़ी मेरी वजह से चलती है और वो कुत्ता रुक जाता और बैलगाड़ी आगे निकल जाती, घमंड उसका चकनाचूर हो जाता है। ये पिता ने इस बच्चे को कहानी सुनाई कि ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मेरा व्यापार चल रहा है, लेकिन
ये जरूर मैं मानता हूं कि तुम्हारे इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा इजाफा जरूर होता है, लेकिन आखिर पिता तो पिता ही रहेंगे। फिर पिता ने रहम कहकर कहा कि आज के बाद मैं तुमसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा, और उन्होंने अपनी एक दुकान और कुछ पैसे देकर इनको घर से रवाना कर दिया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली छोड़कर अमेरिका चला जाता हूं, वहां पर जाकर मैं गारमेंट्स इंपोर्ट का व्यापार करूंगा। ये अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर दिल्ली से ही कुछ जो पंजाबी साड़ियां और पंजाबी ड्रेस मटेरियल जिस प्रकार के भी लोग पहनते हैं वो उन्होंने इंपोर्ट किया, और व्यापार कुछ दिनों तक अच्छा चला। और 2008 में जो मंदी आई उसमें इनके खुद के कपड़े तक बिकने की नौबत आ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। आज की तारीख में इनके पास रुपए पैसा कुछ भी नहीं है, कर्जा और ज्यादा है, ग्रीन कार्ड है नहीं, स्टेटस है नहीं, कभी भी सरकार इनको पकड़ के हिंदुस्तान वापस भेज सकती है, ना घर के ना घाट के। अब इन्होंने अपनी सारी आप बीती मुझे लिखकर भेजी है कि श्रीमाली जी मुझसे गलती हुई, मैं आपके कार्यक्रम के दौरान ही देखता हूं कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। हम भगवान को पूजने जाते हैं, पत्थर की मूर्ति में हम भगवान खोजते हैं, जबकि साक्षात जो भगवान है हमने तो उनका निरादर किया मेरी पत्नी के कहने पर, लेकिन आज हम दोनों ही शर्मिंदा है, हम आखिर आगे क्या करें। तो इस धर्मपत्री का हम लोग विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये इनके ग्रह किस प्रकार के हैं कि इनको अपने पिता से संबंध खराब करने पड़े। जिस रुपए पैसे के लिए संबंध खराब किए वो रुपए पैसा और आपके कपड़े भी आपके बैरी हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं, कर्ज और है आपके पास, और आज की तारीख में मां बाप से संबंध भी नहीं, भाई बहनों से आपके संबंध नहीं, पत्नी से भी टकराहट होती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम आज खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते। देखते हैं कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले तो देखिए मकर लग्न की कुंडली, लग्न में शनि विराजमान है जिससे हम शश योग कहते हैं। शश योग पंच महापुरुष योगों में से एक है, हंस योग, गज केसरी योग, मालव योग, भद्र योग और शश योग, ये योग हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उस योग में से एक योग इस व्यक्ति कुंडली में, ये योग क्या करता है, ये बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, इंटेलिजेंट, शार्प एंड ब्रिलियंट, मेहनती इंसान बनाता है, वो सब में इनकी कोई तकलीफ नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन बृहस्पति साथ में नीच राशि के विराजमान है, नीच के बृहस्पति की दृष्टि आती है सप्तम भाव पे, जो पत्नी और व्यापार का घर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। पत्नी और व्यापार का घर है इनकी कुंडली में सप्तम भाव, इस पर नीच के दृष्टि, नीच के चंद्रमा की दृष्टि है, शनि की भी है लेकिन नीच के बृहस्पति की दृष्टि है। फिर सेवंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, चंद्रमा रोग भाव में और साथ में इधर मंगल है इधर राहु है और बीच के भाव को पाप कर्तरी दोष ने काट दिया, तो व्यापार पिता का भी गया, खुद का व्यापार किया वो भी गए, आज पत्नी से भी आपके संबंध लगभग खराब ही होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप रोजाना अपनी पत्नी को ही कोसते हैं कि तुमने ही बोला था कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, ये ले लीजिए ताकि हम अपनी दुनिया अलग बसाएं। ये दुनिया अलग ऐसी बसाने की कोशिश की कि आज हम खुद ही अलग हो गए, पूरी दुनिया एक तरफ और हम दोनों ही एक तरफ हैं। ऐसी परिस्थिति में डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आना स्वाभाविक चीज है। चंद्रमा और मंगल दोनों साथ में महालक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग का अर्थ क्या है, तो महालक्ष्मी योग और शश योग की वजह से आपको व्यापार मिला, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आपने अपनी बुद्धि जो चंद्रमा देता है, और एट्थ हाउस कॉमन सेंस का होता है, आपने झगड़ा मोल लिया तो किस लिए, किससे, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पैदा किया, जिन्होंने आपको नाम दिया है, इज्जत दी थी, जिन्होंने आपको व्यापार दिया, धन दिया, उनसे ही आपने झगड़ा फसाद मोल ले लिया। ये पाप कर्तरी दोष ने ना आपको घर का रखा, ना आपको घाट का रखा, ना तो आप हिंदुस्तान के रहे, ना आप अमेरिका के रहे, ना आपने परिवार के रहे, ना व्यापार के रहे, और आप पत्नी से भी आज की तारीख में तकलीफ है। फिर देखिए सूर्य, सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं, सूर्य और केतु का यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है, तो पिता से संबंध आपके खराब होने ही थे। इधर मंगल छठे घर में विराजमान है, 64 साल की उम्र तक आपको कर्ज में रहना ही पड़ेगा श्रीमान, इस कर्ज से अभी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ में 2017 चार साल तकरीबन बाकी है, इस चार साल में आपको शनि की दशा को और सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जब से आपको शनि की दशा शुरू हुई है तकरीबन 15 साल से, ये सारी तकलीफें आज से 20 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन 15 साल से आपने वापस परिवार में गए, सब कुछ पाया, हिंदुस्तान छोड़ा, सब कुछ खो दिया, आज की तारीख में आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य के आदर्श शत्रु हैं और शनि ही पिता से झगड़े करवाते हैं, इधर सूर्य खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में चार साल तक आपको अभी नौकरी करनी चाहिए, वापस अपने पिता के शरण में धन लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको पिता से संबंध अगर अच्छे करने हैं तो बेहतर इसी में है कि आपको कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा, तब आप नजर से नजर मिला पाएंगे अपने पिता से, अदरवाइज फिर आपके पिता को यही लगेगा कि आज आप पैसे पैसे को मोहताज हो चुके हैं, इसलिए आपको पिता की याद आई है।
बेहतर यह रहेगा कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए। आप यही सोचिए कि मेरे पिता के पास एक रुपया भी नहीं है और मुझे उनसे संबंध अच्छे बनाने हैं, लेकिन रुपया पैसा या स्वार्थ के वशीभूत नहीं। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि आप 4 साल के लिए नौकरी करिए। लोग जो व्यापार कर चुके हैं उनको नौकरी करने में बड़ी तकलीफ आती है, लेकिन ना कोई काम छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। आप कोई भीख तो किसी से मांग नहीं रहे। बेहतर इसी में क्योंकि 64 साल की उम्र तक आपका एक कर्जा खत्म नहीं होगा। वापस आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर जरूर आएगी, लेकिन 2017 से जब आपको भाग्येश बुध की दशा शुरू होगी, तब तक आपकी ये 4 साल का जो सफर है ये काफी कठिन है, काफी तकलीफों भरा है। बस इसमें एक ही खुशी की बात है कि जून 2014 में बृहस्पति भी केंद्र में आ जाएंगे। और अगर हम राशि की कुंडली बनाएं तो राशि से द्वितीय स्थान और लगन की कुंडली बनाएं तो बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी चीजें हम जन्म कुंडली पर देखने पर जरूर पता लगा सकते हैं कि यह तकलीफ आती है, लेकिन भगवान ने हमें कॉमन सेंस नाम की चीज देकर भेजा है। किसी भी सूरत में मां बाप की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। माता पिता ने हो सकता है लाख बुराइयां हो, लाख गलतियां की उन्होंने, लेकिन उन्होंने पैदा जरूर किया, आपको नाम दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मां बाप अपनी खुशियों को छोड़कर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने में लगे रहते हैं और हमेशा जिंदगी में यही सोचते हैं कि बच्चे तरक्की करें। कितना ही बच्चे मां बाप को तिरस्कृत कर दें, उन्हें अपमानित कर दें, लेकिन फिर भी हमें बच्चा होने के नाते अपने मां बाप की पूरी सेवा करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। 2 बार आपने अपने मां बाप को छोड़ा लेकिन मां बाप ने आपको अपनाया जरूर है, 3री बार मां बाप के पास जाना जरूर है, लेकिन कुछ बनकर ही जाना होगा, अदरवाइज आपकी इज्जत वहां पर इस परिवार में नहीं रह पाएगी और आपको तिरस्कृत भी किया जा सकता है। तो बेहतर है कुछ बनकर ही जाएं, और ये 4 साल में आप बन जरूर जाएंगे लेकिन बहुत कुछ हद तक शांति आपको नहीं मिल पाएगी। कर्ज से मुक्ति आपके 64 साल की उम्र तक साक्षात ब्रह्मा जी धरती पर आ जाए तो अभी आपके नहीं हो सकती है। तो जब नहीं होने वाली है तो हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, इनकम को बढ़ाएंगे और पॉजिटिव सोच के चलेंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति के कारण आपका जीवन थोड़ा सा पाकर होने वाला ज्यादा बनता है। हो सकता है दर्शकों ऐसी किसी समस्या से आप भी ग्रसित हो, तो जब भी आपका अच्छा समय चल रहा हो भगवान को याद करिए, मां बाप का आशीर्वाद दीजिए, घमंड मत रखिए क्योंकि वक्त बादशाह है, आप अपने ऊपर गुरूर तो फालतू ही करते हैं। तो अगली बार ऐसे ही किसी शख्स की जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या आपको गुरुदेव सुरेश हिमानी जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या फिर सुरेश हिमानी जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5100-243-2625-98290-26625, दिल्ली 6542-0685 एवं 6454-4625, मुंबई 9324-272446 एवं 9322-377660, नागपुर 9371-07-3487 एवं 9371-16-1492 और नासिक 9370-590536, कोलकाता 9831-602512, जबलपुर 9907-94-3952।